जय हिंद दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बाड़सुर थाना क्षेत्र में नक्सलियों के द्वारा लगाए गए बैनर पोस्ट को हटाने के दौरान हुए आईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 4 जवान घायल हो गए। घायल जवानों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बीजापुर से नक्सली सीआरपीएफ 195 बटालियन के जवान बाड़सुर पल्ली मार्ग के साधार 195 बटालियन ब्रिज के पास लगे बैनर पोस्ट को निकाल रहे थे, तभी सुबह 9 बजे के करीब आईडी ब्लास्ट हो गया। इस घटना में 4 सीआरपीएफ जवान बुरी तरह घायल हो गए। सीआरपीएफ अधिकारियों ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि सुबह जवानों को सूचना मिली थी कि सुदूर तुलार गुफा की ओर नक्सली गतिविधि चल रही है। जवानों को सर्चिंग के दौरान संदिग्ध हालत में कुछ पैकेट में बम पड़े हुए दिखाई दिए। उन्हें डिफ्यूज करने की कोशिश के दौरान आईडी में धमाका हो गया, जिसमें 4 जवान बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया है। इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं भारतीय सेना के सीआरपीएफ जवान भी हाई अलर्ट मोड पर हैं। बाकी दोस्तों, भगवान से दुआ कीजिए हमारे घायल जवान जल्द से जल्द ठीक हो। साथ ही दोस्तों, खबर को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सेना से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबर पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी नई किसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।